कबड्डी प्रतियोगिता हिंदी क्लब बिल्थरा रोड ने जीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बिल्थरा रोड बलिया न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिल्थरा रोड के प्रांगण में आयोजित हुई, जिसमें बिल्थरा रोड क्षेत्र से कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार 20 साल से कम उम्र के बच्चे ही इसमें प्रवेश ले सकते थे, जिनका वजन 70 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्घाटन मैच महाराजा सुहेल देव गाजियापुर और भगत सिंह के बीच खेला गया। 18-19 पॉइंट से भगत सिंह विजय रहे। 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल, फाइनल सहित कुल 7 मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी बिल्थरा रोड और नगरा के बीच खेला गया, जिसमें नगरा 8-12 पॉइंट से जीत कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल हिंद क्लब बिल्थरा रोड और भगत सिंह के बीच खेला गया, जिसमें हिंद क्लब ने 27-10 पॉइंट से मैच जीत कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कबड्डी का पहला मैच नगरा और हिंद क्लब बिल्थरा रोड के बीच खेला गया, जिसमें बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिला। दोनों टीम के राइडरों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। अंत में हिंद क्लब ने 25-15 से मुकाबला जीत कर क्षेत्रीय प्रतियोगिता जीती। मुख्य अतिथि के रूप में सीरिया ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश आंचल मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और विजेता टीम को ट्रॉफी व इनाम वितरित किया। साथ में खालिद जाहिर, वागीश पांडे, सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मैनेजर सतीश दुबे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का अपने स्कूल के प्रांगण में सफल आयोजन किया, बच्चों की हौसला अफजाई की और संबोधित किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विशिष्ट गण के रूप में एडवोकेट बलवंत भारद्वाज, जसुराम राजभर, अमरेश कनौजिया, प्रशांत रंजन यादव आदि रहे। कोच दानिश सर, रेफरी मंजीत कनौजिया ने खेल को अच्छी तरह से संचालित किया। बलिया से सबीर अहमद की रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो प्रतियोगिता हुई है, एक सफल प्रतियोगिता हुई, जिसमें हिंद क्लब विजेता रही, उपविजेता के रूप में नगरा रही है। और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आज ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सेंट्रल न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल पे आयोजित किया गया। इसमें पंडित जी द्वारा हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और नगरा की टीम हिंद क्लब टीम फाइनल मैच में खेली, जिसमें हिंद क्लब विजयी हुई। उनको भी हम बधाई देंगे और जो रनर रहे उनको भी हम बधाई देंगे कि आगे के लिए मेहनत करें। और आज मकर संक्रांति के दिन आप लोगों ने कबड्डी प्रतियोगिता करा, इसलिए सबको बधाई देता हूँ। और इस खेल में सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि ये खेल जो कबड्डी का खेल है, फुटबॉल का खेल है, हॉकी का खेल है, ये खेल बहुत कठिन होता है, जो कि हमारे नौजवान बच्चे कबड्डी फुटबॉल और हॉकी थोड़ा कम कर दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, फिर उसे ही फुटबॉल और हॉकी और कबड्डी जैसे खेल बच्चे खेल रहे हैं। इसलिए आज के दिन हम सभी लोगों को बधाई देते हैं और आपको भी बधाई देंगे कि भाई सर, इतने कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पा रहे हैं? बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो कोई भी खेल खेलें, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो, कोई भी खेल खेलें, एक भाईचारे के साथ खेलें, एक डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे तो आगे किसी क्षेत्र में जाएंगे तो इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। और हम इनके लिए कहीं भी रहें, सबसे पहले हम इनके भविष्य की कामना करते हैं। और जहाँ भी नए बच्चों, नौजवान बच्चों को हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी
हम लोग हमेशा इनके सहयोग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बात करेंगे प्रिंसिपल सर से। जी सर, आप बताएं, आपने बहुत ही सफल आयोजन किया और इसके बारे में कुछ बताएं। मैं सतीश दुबे, प्रबंधक न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। आज हमारे स्कूल के प्रांगण में क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी ने काफ़ी समय दिया, बच्चों का उत्साहवर्धन कराया। बच्चों को भी यह संदेश दिया गया कि बच्चे मेहनत के बल पे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे काफ़ी मेहनत किए और उम्मीद है कि आगे जो है इसी तरह का मेहनत जारी रखेंगे और अपना पूरा इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। ये मेहनत करेंगे और जो भी सहयोग हम लोगों के तरफ से होगा वह पूरी तरह से देने का कोशिश करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में भी सफल आयोजन आपने कर दिखाया। और बात करते हैं कोच महोदय और कुछ रेफरी महोदय से, और जानते हैं नेशनल सिलेक्टर। जी सर, बात करेंगे। सर, मैं आज के इस टूर्नामेंट में, आज जो क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कराई गई, इसके में आए हुए हमारे अतिथि विनय प्रकाश अंचल जी, हमारे प्रबंधक न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल सतीश दुबे सर, खालिद जही सर, मैं और हमारे दानिश सर, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस टूर्नामेंट में हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम से कम हम अपने क्षेत्र से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बना के उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजें, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट लगभग आई थिंक 23 या 24 को है। उस टूर्नामेंट में ये बच्चे प्रतिभाग करेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जी, मैं दानिश मोहसिन। इस प्रतियोगिता में बच्चे जो बच्चे हैं पूरे जनपद के, पूरे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं। यही बच्चे सेलेक्ट होकर टीम वाइज दो टीमें सेलेक्ट होकर जाएंगे जनपद के लिए, और वहाँ टीम जो सेलेक्ट होगा वो टीमें जाएंगी स्टेट के लिए। तो जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, जो प्रतिभाग किए हैं, उनके लिए शुभकामनाएँ और वो आगे के लिए जनपद इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा और सुना, यहाँ पे जो है नगरक की टीम वो विजेता रही है और हिंद क्लब की टीम जो है विजेता, और आगे बलिया में इनका जो है प्रदर्शन देखने लायक होगा। अपने क्षेत्र का उम्मीद करते हैं नाम रोशन करें। मैं न्यूज़ नेशन वॉइस के लिए सब्बीर अहमद की रिपोर्ट।